कश्मीर जो है कौन लेकर गया यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को, ये तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी। इसको इंटरनेशनलाइज किसने किया, जो यूनाइटेड नेशन के दफ्तर श्रीनगर और उस वाले कश्मीर में हैं, वो किसने लाया, ये तो हिंदुस्तान ने लाया। हिंदुस्तान ने इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में ले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और वहां पर इस पे फिर रेजोल्यूशन पास किया। साहब आप जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। वन ऑफ माय फेवरेट लाइंस फ्रॉम रजत शर्मास दिस डिबेट। मैं आपको एक हादसा बता देता हूँ। जब मैं पाकिस्तान में गया तो वहां पर मुझे एक पत्रकार ने सवाल पूछा हजारों लोगों के सामने। उसने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो समझते हैं कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, आपका क्या राय है? तो मैंने कहा हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। तो अब आपकी राय क्या है? देखिए, हिंदुस्तान ये कहता है ये मेरा अटूट अंग है, ये मेरा ताज। पाकिस्तान कहता है ये मेरी शहरग। मेरा मौकफ ये है, ये फैसला कश्मीरियों को करने दो एक जमहूरी तरीके से। क्या ये हिंदुस्तान का ताज है, क्या ये पाकिस्तान की शहरग है, या कश्मीरियों का है और कश्मीरी इसको आज़ाद रखना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का ये कहना है कि कश्मीर हिंदुस्तान का है और ये इस पर कोई डिबेट का स्कोप नहीं है। रजत शर्मा रोस्टेड मलिक लाइक दिस इज माय वे दिस इज स्काई वे। यासीन साहब, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने आपको बुलाया, तुमने पुकारा और हम चले आए। हमको हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बुलाया तो हम चले आए। जब जब मुजाकरात और ये बताया गया कि हम जी पीस प्रोसेस से मसले को हल करें तो कश्मीरी लोग दौड़ गए। यासीन साहब, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ का नमक खाते हैं, यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ की हवा में सांस लेते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, लेकिन बात करने के लिए बार बार पाकिस्तान भागते हैं। हम दोनों मुल्कों के पास चले जाते हैं। लेकिन आप उस पाकिस्तान से बात करते हैं जो ओसामा बिन लादेन को पनाह देता है। देखिए रजत जी, यासीन साहब भाई, यहाँ जाए तो आपको आपको कहेंगे जी हिंदुस्तानी एजेंट, उधर जाएंगे तो आपको कहेंगे पाकिस्तानी एजेंट। आप भूल रहे हैं, हिंदुस्तान ने कभी टेररिज्म को बढ़ावा नहीं दिया। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया था, दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है, हाफिज सईद लाहौर में घूमता है, ये सब आतंकवादी है जो पूरे दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंडियन वे ऑफ सार्केज्म। इंटरेस्टिंग। फिर अगर हिंदुस्तान को ये ज्यादा कंसर्न है तो हिंदुस्तान क्यों निकला है पाकिस्तान के साथ बात करने के? हिंदुस्तान ने बातचीत कैंसिल की कश्मीरियों से, क्यों मिले? उन्होंने ये नहीं, इस पे बातचीत कैंसिल नहीं की कि हाफिज सईद जी खुलेआम घूम रहे हैं लाहौर में, ओसामा बिन लादेन जी जी पकड़े गए पाकिस्तान में, दाऊद इब्राहिम जी कराची में बैठे। जब आपको इस चीज़ पे या हिंदुस्तान के लोगों को बहुत दर्द होता है तो फिर आप पाकिस्तान के साथ क्यों बात कर रहे हैं? आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ क्यों बुलाया था? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ ये कहने के लिए बुलाया था कि खुराफात बंद कर दो। After watching this clip, you will understand the duplicity and the double face of these people. यासीन साहब, ये सब जानते हैं कि आप कहते तो हैं कि अब मैं गांधी जी के रास्ते पर चलूंगा, मैंने हथियार फेंक दिए, बंदूक फेंक दी, लेकिन जब प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपकी दोस्ती है हाफिज सईद से, आप करते वो है जमात इस्लामी चाहता है, आप करते वो है जो जमात उल दावा चाहता है। पहले तो ये है कि 94 में हमने सीज फायर किया, 94 से लेकर अब तक ये 2014 है, 20 साल होते। मैं आपकी स्टेट को चैलेंज करता हूँ कि इन 20 साल में वो एक एविडेंस देंगे कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को पॉलिटिकल मूवमेंट के बगैर वायलेंस के साथ किसी किस्म का ये एक एविडेंस। मैं आपको देता हूँ एविडेंस। 11 फरवरी 2013 को आप इस्लामाबाद गए, अफजल गुरु को फांसी पर दिए जाने के खिलाफ आपने वहां पर अनशन किया और हाफिज सईद आकर आपकी गोद में बैठ गए। तस्वीरें हैं, आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूं आपकी और हाफिज सईद की तस्वीर। मैं इसका जवाब ये देखिए,
यासीन मलिक और हाफिज सईद। ऐसे बैठे जैसे दो बिछड़े भाई भाई सा मिले हो। दो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रमजान सीज फायर का ऐलान किया, उस वक्त ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर की लीडरशिप पाकिस्तान जाना। देखिए आप मुझे तो हाफिज सईद के बारे बताइए। मैं इसी की तरह आ रहा हूं। मैं आप उनके साथ बैठे थे कि नहीं बैठे थे? मैं बैठा था बिल्कुल। वो आतंकवादी है कि नहीं है? मुझे आप बात करने देंगे इस? अच्छा बताइए। Believe me guys, this is going to be insane. Just watch this and enjoy this clip. उस वक्त on record वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर कश्मीर की लीडरशिप पाकिस्तान जाना चाहती है पाकिस्तानी लीडरों के साथ और मिलिटेंट लीडरों के साथ बात करने के लिए, ताकि एक जेन्युइन पीसफुल एटमॉस्फेयर पैदा हो। उसके बाद वाजपेयी जी की गवर्नमेंट तब्दील हुई, नए प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी आए। 2006 में मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, ऑफिशियल मीटिंग। मेरा उसमें एक पॉइंट था जो मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने रखा। मैंने कहा जो मिलिटेंट लीडरशिप भी हैं, मुझे लगता है कि आप उनको भी इस बातचीत में लाइए, ताकि ये बातचीत पूरी तरीके से पीसफुल बन जाएगी। वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि हम इस सिलसिले में मदद भी चाहते। मैं अमेरिका गया था, फिर जलजला आया कश्मीर में, तो मैं वहाँ पर गया था, पैसे लेकर एड लेकर वहां पर गया था। आप मेरी बात पहले, आप देखिए इधर उधर आता हूँ। नहीं नहीं, आप उधर आइए। अब मैं आ रहा हूँ। मेरा सवाल नहीं, आप नहीं आ रहे हैं। मैं मेरा सवाल ये है कि जिस हाफिज सईद ने बेगुनाहों को मारा, मासूमों को मरवाया, जिसने अजमल कसाब को यहाँ भेजा हथियार लेकर, जिसने उसके 9 साथियों को भेजा, उसके साथ आप बैठे? मैं इधर ही आ रहा हूँ, इस फोटो की तरफ। हाँ फोटो की तरफ आइए, फोटो की तरफ जी। अच्छा, मेरा इस पूरे हिंदुस्तान के जितने मीडिया सेंटर हैं या गवर्नमेंट हैं, जब वहाँ मैं गया ये तकरीर की, यहाँ हंगामा क्यों नहीं हुआ? तब सब खुश क्यों? तब तो मैं मरीद कैंप में ही गया था, किसी ने कोई बात नहीं की। आप इसकी बताइए, फिर मैं उसके बारे में भी आपसे पूछूंगा। इसकी मेरे पास उसकी भी डिटेल्स है। You know what? Last but not the least. And we will meet soon again in different video. जो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी का एक ही फैसला है कि मुझे हार्ड लाइन लेनी है, और हम कश्मीरियों को के, हम कश्मीरी उसके लिए तैयार हैं, और हम अपनी ही मूवमेंट कश्मीरियों के लिए हार्ड लाइन नहीं लेनी है। वो कहते हैं पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद होना चाहिए। Guys, do like, share and subscribe for more such videos.